बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जवान ने किया क्रेजी शाहरुख खान की फिल्म के सोच हाउसफुल, टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और नयनतारा स्टारर फिल्म जवान आज रिलीज हो गई। प्रीव्यू के बाद आए ट्रेलर को देखते ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और क्रेज डबल हो गया। फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी बस बना हुआ है। फिल्म को लेकर ट्विटर पर चर्चाएं तेज है। शाहरुख खान भी फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए है और एटली कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म जवान का क्रेज दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी देखने को मिल गया। वही फिल्म के रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों में लोगों की भीड़ लग गई और सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने जन्माष्टमी के दिन फैंस को बड़ी ट्रीट दी। एक्टर की मच अवेंटेड फिल्म जवान रिलीज हो गई। मूवी को लेकर किंग खान ने फैंस को क्रेज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। मूवी से शाहरुख खान के सीन्स फैंस वायरल कर रहे। एक्शन एंटरटेनमेंट मूवी जवान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। इंतजार हुआ खत्म, शाहरुख खान की मच अवेंटेड फिल्म जवान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। पठान के बाद किंग खान जवान बनकर बॉक्स ऑफिस पर गद्दर मचाने को बिल्कुल रेडी है। 2023 की शुरुआत में पठान ने जो तूफानी कमाई की अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। साल खत्म होने से पहले जवान के साथ एक्टर के फैंस को बड़ी सौगात दी। जिस तरह से एडवांस बुकिंग और आंकड़े और फिल्मों को लेकर हाइप है, उसे देखकर तो ये लगता है कि इस बार करोड़ों रुपए ये जवान मूवी छाप सकती है। जवान ने मचाया गदर। एक्शन थ्रिलर मूवी जवान को साउथ के हिट डायरेक्टर एटली ने बनाया है। शाहरुख खान की मूवी में डबल रोल है। इसके अलावा फिल्म में नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मणि, सानिया मल्होत्रा, रिद्धि डोगरा, लहर खान, एजाज खान ऐसे कई सारे अहम रोल में दिखेंगे। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और शाहरुख खान की लकी चार्म दीपिका पादुकोण टीम ये रोल में दिखेगी। करीबन 300 करोड़ के बजट में बनी इस जवान मूवी को देखने के लिए सब पागल हुए हैं। वही शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज के साथ एक गर्दा उखाड़ दिया। मूवी के शोज हाउसफुल दिख रहे हैं। सिनेमा घरों के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं और वैसे श्रीनगर के आइनॉक्स सिनेमा में जवान के शो चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर भी टिकट लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। शाहरुख खान जवान में वो सब डिलीवर करते हैं जिसका वादा टीजर के समय वो करते हैं। फिल्म में एक्शन, इमोशन, हीरो के एलिवेशन वाले सॉलिड मोमेंट्स सब कुछ भरपूर मिलेगा। फिल्म का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है और शाहरुख खान इसे स्वैग में डिलीवर करते हैं। जितना शाहरुख खान और डायरेक्टर एटली का वादा था उससे भी कई ज्यादा इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया है। और न्यूज ये भी आ रही है कि जवान को देखने के लिए पहुंच गए डायरेक्टर एटली। जवान के डायरेक्टर एटली अपनी पत्नी प्रिया मोहन संग फिल्म का फर्स्ट शो देखने पहुंच गई। डायरेक्टर की पत्नी ने ट्विटर पर फोटो भी शेयर की और वहीं शाहरुख खान की फिल्म का फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस बेताब भी है। मूवी हॉल के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। मुंबई के एक फेमस थिएटर के अंदर लोग सुबह 6 बजे से लोग जश्न मना रहे, ढोल बजा रहे, डांस कर रहे और जवान के फैंस जोर शोर से उनका स्वागत कर रहे और जवान के पोस्टर को लेकर लोग पुडिंग करते हुए नजर आ रहे। सोशल मीडिया पर जवान के मॉर्निंग शो देख रहे फैंस ने मूवी के सीन्स वायरल किए और किंग खान को डांस करता देख लोग भी झूमने लगे। नजारा देखते लगता है जैसे सिनेमा हॉल के अंदर पार्टी कोई चल रही है। मुंबई ही नहीं पूरे इंडिया में जवान जवान और जवान के लोग नारे लगा रहे हैं। हो सकता है ये मूवी इस बार 500 से 800 करोड़ क्रॉस कर सकती है। आने वाले टाइम में और भी हम आपको इस मूवी को लेकर अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।